नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ऐसे सियासी भंवर में फंसते जा रहे हैं जहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। विपक्षी राज ठाकरे हों या भारतीय जनता पार्टी हों, उनके तो वो निशाने पर थे ही, अब अपनों के यानी सहयोगियों के भी वो निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल ने जिस तरह की बयानबाजी की है प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर के, उस पर उद्धव ठाकरे को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि एकाएक कांग्रेस और एनसीपी उनके लिए मुश्किलें क्यों पेश करने पर उतर आई हैं। एक्चुअल में महाराष्ट्र इस समय सर्वाधिक कोरोना संक्रमित प्रदेश तो है ही, और जिस तरह की घटनाएं वहां पर घट रही हैं और जिस तरह की लापरवाही सरकार के स्तर पर, नौकरशाही के स्तर पर, अस्पतालों में दिखाई दे रही है, उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है उद्धव मस्ट आंसर, यानी मुख्यमंत्री हर हाल में जवाब दें। किन चीज़ों का? सायन अस्पताल में जहां संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं काले बैग में शव भी रखे गए थे, यानी शवों के बीच कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों का इलाज चल रहा है। ऐसे मरीजों के मन मस्तिष्क पर क्या बीत रही होगी, आप सहज रूप में अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसको लेकर के सोशल मीडिया में काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी रिएक्शंस हैं। उद्धव मस्ट आंसर ये ट्रेड कर रहा है इस समय, और लोग उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहे हैं। छगन भुजबल ने एक मराठी चैनल पर इंटरव्यू दिया और ये कहा कि जो अंतर्विरोधी आदेश हैं सरकार के, उनकी वजह से भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं, और ख़ास तौर से जो प्रवासी मजदूर हैं जो महाराष्ट्र छोड़कर के अपने अपने प्रदेशों के लिए जाने को तैयार बैठे हैं या जा रहे हैं, उनको लेकर के जो भी दिशा निर्देश पहले जारी किए गए थे और बाद में कुछ दिशा निर्देश जारी किए, उनसे ज़बरदस्त भ्रम की स्थिति है। और छगन भुजबल ये कहने से भी नहीं चूके कि चूंकि महामारी है, चूंकि कोरोना संकट काल है, इसलिए मंत्रियों के पास तो अब कोई अधिकार ही नहीं रह गए हैं, सब कुछ तो नौकरशाही कर रही है, प्रशासन के लोग कर रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें राज ठाकरे भी थे, जिसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, अशोक चव्हाण भी थे, अजित पवार भी थे। और उद्धव ठाकरे ने कोरोना बीमारी से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो सब बाकी दलों के नेताओं से शेयर की, सुझाव भी मांगे। लेकिन
बीजेपी के नीतीश राणा ने शवों के साथ मरीजों के इलाज पर उद्धव ठाकरे को घेरा है और ये पूछा है कि ये क्या प्रशासनिक व्यवस्था है और इससे शर्मनाक बात क्या कोई दूसरी हो सकती है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पीड़ितों की अप्रत्याशित वृद्धि होती जा रही है। 17,000 के आसपास कोरोना वायरस संक्रमित पहुंचने वाले हैं। पूरे देश में करीब 53,000 और अकेले महाराष्ट्र में करीब करीब 17,000। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ पीछे गुजरात खड़ा है, लेकिन अंतर करीब करीब 9,000 का है। महाराष्ट्र में 16,758 संक्रमित, इनमें एक्टिव केस 13,000 और अब तक 651 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात में 7,013 संक्रमित, एक्टिव केस 5,088 और वहाँ 425 लोगों की मृत्यु हुई है। यूँ तो दिल्ली है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, आंध्र है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, जेके है, हरियाणा है, इन सब में भी कोरोना वायरस फैला हुआ है, मरीज हैं, लेकिन जैसी स्थिति महाराष्ट्र की है वैसी किसी की नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे की सूझबूझ पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी क्षमता पर, मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को लीड करने की जो एक एबिलिटी होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए और साथियों को, सहयोगियों को संतुष्ट करके साथ लेकर चलने की जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, उस मामले में उद्धव ठाकरे पूरे तरीके से एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इसलिए भी नाराज है और बताते हैं कि सोनिया गांधी नाराज है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, 21 मई को मतदान होगा, उसके नॉमिनेशन भी दाखिल होने हैं। एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर के ये तय कर लिया कि वो दो दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़ दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी और 4 वो जीतेगी जितनी उसकी संख्या है। कांग्रेस की सदन में 44 संख्या है, एनसीपी की 54 है और शिवसेना की 56 है। वो सीटें ले रहे हैं और 44 सीटों वाली कांग्रेस के लिए एक सीट वो छोड़ रहे हैं। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं कि उनको इस तरीके से अपमानित किया जाए और उनके लिए विधान परिषद की केवल एक सीट छोड़ी जाए। तो उन्होंने अपनी राज्य इकाई को ये निर्देश दे दिए हैं कि वो 2 सीटों से कम पर ना माने। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस 2 सीटों पर अड़ गई है और उद्धव ठाकरे के लिए उसने जो मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, उससे अब उद्धव ठाकरे कैसे बाहर निकलेंगे? क्या शिवसेना मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए एक सीट का त्याग करेगी कांग्रेस के लिए? एनसीपी तो मानने वाली नहीं है, वो कांग्रेस की भी घुड़कियों में नहीं आती है,
कई मौक़ों पर हमने देखा है कि शरद पवार अब अड़ने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस को सब कुछ क्यों चाहिए। आपको याद होगा जब सरकार बन रही थी उस समय कांग्रेस ने शर्त लगाई थी कि स्पीकर हमारा होगा, इस पर एनसीपी और शिवसेना मान गए थे। उसके बाद जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात आई तो एनसीपी की तरफ से डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी की गई, वो बात मान भी ली गई, लेकिन कांग्रेस भी चाहती थी कि उसका भी एक डिप्टी सीएम बने जिसको शिवसेना और एनसीपी दोनों ने खारिज कर दिया। अशोक चौहान तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तो एडजस्ट हो गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो स्पीकर भी बनने को तैयार थे, डिप्टी सीएम भी बनने को तैयार थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी बनने को तैयार थे, लेकिन नहीं बने। अब पृथ्वीराज चौहान और उनके समर्थक जो भी हैं वो नाराज रहते हैं और कांग्रेस की तरफ से सारी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं अशोक चौहान और बाला साहब थोराट। तो ये जो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं उद्धव ठाकरे के लिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि उनके सिर पर, उनके माथे पर एक नाकाम चीफ मिनिस्टर का लेबल चस्पा हो रहा है। याद करिए जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छिटक दिया था, उनसे अपना नाता तोड़ दिया था, इसलिए कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए कि उन्होंने कथित रूप से बाल ठाकरे को ये वचन दिया था कि किसी शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से नाता भी तोड़ने के लिए तैयार हो गए। संजय राउत के उस समय के बयान याद करिए, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने अमित शाह के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, और अल्टीमेटली मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ दिया। और उस समय क्या कहते थे संजय राउत कि 3 दिन में सरकार बना करके दिखा देंगे, 24 घंटे में समर्थन पत्र दे देंगे। 1 महीना लग गया था एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पत्र जुटाने के लिए, और जब से सरकार बनी है तब से इनकी क्या हालत है ये अब किसी से छिपा नहीं है। और अब भी चूंकि महाराष्ट्र सर्वाधिक और ख़ास तौर से मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, जहां सरकार बैठती है महाराष्ट्र की, वहां सबसे ख़राब स्थिति है। 500 से ज़्यादा तो पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें से 30-32 ठीक भी हुए हैं, और बाकी की स्थिति क्या है। और ये वर्स्ट पोजीशन क्यों हुई है ये अब किसी से छिपा नहीं है, हर स्तर पर लापरवाही हुई है। अब हाथ पैर फूल रहे हैं, उद्धव ठाकरे 25,000 उन प्राइवेट डॉक्टरों को भी ये कह रहे हैं कि आप सरकारी अस्पतालों में जहां कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है वहां ड्यूटी दें, नहीं तो आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस तरह के निर्देश, इस तरह की बौखलाहट केवल महाराष्ट्र में देखी जा रही है नेतृत्व के स्तर पर। और किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बयान आपने इस तरह के देखे हैं? बाकी राज्यों में भी कोरोना काफ़ी फैला है, दिल्ली में आप देख लीजिए, गुजरात में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी, वेस्ट बंगाल में इस समय 150 से ज़्यादा लोगों के मरने की सूचना आ गई है, 153 आंकड़ा था शाम को। लेकिन कम से कम नेतृत्व के स्तर पर इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां के आत्मविश्वास ही खोता हुआ दिखाई दे
चीफ मिनिस्टर, वो हालत महाराष्ट्र में होती हुई दिखाई दे रही है। और सहयोगी भी कोरोना वायरस के साथ साथ इनकी परीक्षा लेने पर एडामेंट दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और जो मित्र ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन पर जाकर औपचारिकताएँ पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।